ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज 7 फरवरी है और रोज़ डे भी है, तो हैप्पी रोज़ डे। बहुत सारे ऐसे कपल्स जिनकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग होगी ये 7 तारीख और से लेके 14 तारीख, बहुत सारी प्लानिंग्स उन्होंने की होगी। एक्साइटमेंट की भी लेवल कहीं ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोग अपने दिल की बात बताने वाले होंगे, बहुत कुछ करने वाले होंगे। लेकिन हाँ, जो लोग मतलब जो अनमैरिड कपल हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो मन की बात है वो आप बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है, लेकिन आप अपनी लिमिटेशन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करिए। अगर इस वैलेंटाइन अगर आप ये सब करने की सोच रहे हैं और आप अनमैरिड हैं तो ये बिल्कुल गलत है। शादी के पहले ये सारी चीज़ों को सोचना भी आपके लिए सही नहीं है। हमारा जो इंडियन कल्चर है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। अगर आप बोलोगे कि हम तो 18+ हैं, हम इतने मैच्योर हैं, तो मैं बता दूं 18+ हैं तो फिर भी क्या, बहुत सारे ऐसे आपको इसके जो दुष्परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस समय आपका कोई 18+ जो फेवर आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ काम नहीं आता। और अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये तो सरासर इलीगल है, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्जेस लग सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और नॉन बेलेबल भी सज़ाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जिनका ये मन में आता है एक्सपेरिमेंट करना, या फिर आजकल तो ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोग जो दोस्त लोग आपस में बात करते हैं वो लोग हंसी उड़ाते हैं कि तू अभी भी वर्जिन है। ये हंसी उड़ाने की बात नहीं है। अगर कोई सामने वाला दूसरा अगर गड्ढे में गिर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही गिर जाइए। वो सिगरेट पी रहा है, वो शराब पी रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ आपको भी ट्राई करना है। इसलिए आप अपने संस्कार को पहचानिए कि आप किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके मुताबिक ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, ये सब कुछ आपको सोचना है। आपको समझाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जैसे मैं आज आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। आपको खुद में अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि रियली में क्या मेरी फैमिली, अगर मैं ये चीज़ें करती हूँ या ये चीज़ें मैं करता हूँ, क्या मेरी फैमिली ये चीज़ को सपोर्ट करेगी। डेफिनेटली फॉर श्योर वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि शादी के पहले ये सारी चीज़ें किसी भी माँ बाप को या किसी भी पेरेंट गार्जियन को पसंद नहीं आती है। ये सामाजिक दायरे के बाहर है। अगर आप समाज में रहते हैं तो आपको कुछ नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, और लड़कियों के केस में इनका असर कुछ ज़्यादा दिखता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के भी ठहरने के चांसेस होते हैं, या फिर प्रेगनेंसी जब अगर उनका अबॉर्शन ये सब मेंटल ट्रॉमा भी काफ़ी ज़्यादा गुजरती हैं। लेकिन इसका असर लड़कों के भी ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये बात है कि कम होता है, लेकिन लड़के भी विक्टिम हो सकते हैं। बहुत सारी जो 90% जो केसेस होती हैं लड़कियां विक्टिम होती हैं, लेकिन नहीं, 10% ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनके वजह से लड़के सफ़र करते हैं। तो अगर कोई लड़का मेरा ये वीडियो देख रहा है जो ये मतलब, तो ये समझ लीजिए कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे लड़के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से विक्टिम बन जाते हैं। तो इन सारे चक्करों से पढ़ना ही छोड़ दीजिए। आप देखिए, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा जो आप चाहते हैं। आपकी शादी भी एक अच्छे लड़के से एक अच्छी लड़की से होगी, उसके बाद आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेकिन जो अभी का जो टाइम है, जो 16 से लेके 20 तक वाला जो टाइम होता है, वो आपके देखो प्यार क्या ये टाइम होता है, लोग इस समय ही प्यार में पड़ते हैं, लेकिन इस समय ही आपका करियर की शुरुआत होती है। आपको इसके बाद ही आपके जो सफ़र का आपने कदम यहीं से स्टार्ट करना है। तो आपको कैसी नींव रखनी है, आप किस तरह की लाइफ आगे सोच रहे हैं, वो सब कुछ इस पीरियड में होता है। तो मैं आपको एज अ गुरु कहो या जो कहो, मैं आपको एक चीज़ यही समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, और अपनी जो करियर है, अपनी जो पढ़ाई है, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, इसके बाद की जो लाइफ होगी, अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारी अच्छी लड़कियां आएंगी, बहुत सारे ऐसे अच्छे लड़के आएंगे, तो वो चीज़ें ही, वो बातें ही कुछ अलग रहेगी। इसलिए अभी से डेस्परेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को टाइम दीजिए। टाइम के साथ साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो होप अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिएगा, क्योंकि इसका हर्जाना बहुत दूर तक भुगतना पड़ जाएगा।
और मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, कहीं मैंने न्यूज़पेपर पे पढ़ा था कि दो कपल थे, अनमैरिड कपल, उन्होंने मस्ती मस्ती में बहुत सारे बियर वगैरह पी और उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें भी कर ली, और ये सब कुछ उनके कंसेंट में हुआ था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार विश्वास सब कुछ ठीक है, प्यार करना आसान होता है बट उसे निभाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप उस सच्चे प्यार के इंतज़ार में रहिए, सच्चे प्यार की तलाश करिए, उसके बाद आपको उनको निभाने का भी मौका आएगा, सब कुछ आएगा। तो उन दोनों के कंसेंट से सब कुछ हुआ था, लड़के को भी लड़की के ऊपर पूरा भरोसा था, लड़की को भी लड़के के ऊपर पूरा भरोसा था। लेकिन हुआ यूँ कि उनके साथ जो भी ये सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद लड़की ने लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस डाल दिए। अब ये देखिए, जो रेप के चार्जेस होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे नॉन बिलेबल जो एक्ट होते हैं, जो कि जो क्राइम होती है, उसमें आपको तो बिल तो मिलती नहीं है, प्लस आपको मिनिमम 7 साल की सज़ा तो पक्का है। चाहे आपका प्यार कितना भी ज़्यादा भरोसेमंद क्यों ना हो, अगर थोड़ी सी गलती, एक ऐसी गलती, क्या पता वो आपकी आगे की पूरी लाइफ बर्बाद कर दे। लड़कियों के केस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गंदे MMS बन गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होती है कि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं ये तुम्हारी MMS लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो अपनी जो एक इज्जत की लिमिट होती है उसको कभी भी क्रॉस मत करिए। और हाँ, अपने करियर के ऊपर फोकस करिए, आपको सब कुछ बाद में ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक बार अगर आपका करियर चौपट हो गया, आपकी लाइफ अगर चौपट हो गई, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी क्राइम का अगर आरोप भी लग गया, तो आपको किसी गवर्नमेंट फर्म में तो कोई नौकरी मिलेगी नहीं, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पढ़ाई में आप अच्छे क्यों ना हो, इनफैक्ट आपको किसी भी प्राइवेट PSUs कहीं पर भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप सोच लीजिए कि आप किस तरह की लाइफ अपने लिए सोच रहे हैं, इसलिए अपने कदम को, जो आपके गलत कदम अगर बढ़ रहे हैं, उसको आप पहले ही रोक लीजिए। तो प्लीज़, मैं आपको नहीं जानती इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जानकार लोगों से ये सारी बातें करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे एज अ मेंटर समझ के भी ये जो वीडियो है मेरी, बहुत स्प्रेड करिए, ताकि जो लड़के लड़कियां हैं या फिर जो कपल है जो कि गलत इस तरह का सोच भी रहे हैं, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लें और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।